आधारभूत विकास परियोजना के सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत मनाया मजदूर दिवस। मजदूर दिवस पर मजदूरों को दिए तोहफे, किया उनका सम्मान। डीडवाना राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता कार्यक्रम के तहत रूडीप व एलएनडीटी द्वारा मजदूर दिवस मनाया गया। कैप रूडीप के सचिन मुदगल ने बताया कि मजदूर दिवस को हम श्रमिकों के लंबे संघर्ष के लिए याद करते हैं, उनके उचित समान वेतन, संगठित होने व अपनी आवाज सुने जाने के अधिकार के लिए याद करते हैं, और यह दिन दुनिया के मजदूरों और श्रमिक वर्ग को समर्पित है। मजदूरों व श्रमिक वर्ग की उपलब्धियों को और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को सलाम करने का दिन है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य मजदूरों की उपलब्धियों का सम्मान करना और उनके द्वारा किए गए योगदान को याद करना है। यह दिन मजदूरों को संगठित कर आपसी एकता मजबूत करने के लिए और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए भी है। कार्यक्रम में एलएटी के कंस्ट्रक्शन मैनेजर सूरज सिंह ने श्रमिक साथियों को बताया कि श्रमिक साथी राष्ट्र की वह धुरी है जो राष्ट्र के निर्माण में बहुत मजबूती प्रदान करती है, तथा कहा कि सभी श्रमिक साथी पूर्ण सुरक्षा उपकरणों के साथ कार्य करें, तथा साथ ही कहा कि बिना मजदूर के विकास की बात करना बेमानी है। सभी प्रकार के विकास कार्य श्रमिकों द्वारा ही किए जाते हैं। कार्यक्रम में एलएटी के रंजीत झा, नितांत पीवी, अविनाश अरुण, सीडी घनश्याम शर्मा, रोहित भाटी, कुंदन संजय सिंह, हेमंत पटेल आदि ने भागीदारी निभाई। आज दिनांक 1 मई 2023 को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RVIDP और LNT के संयुक्त तत्वाधान में STP साइट पर श्रमिकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, जिसमें श्रमिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बताया। इसके साथ ही श्रमिकों के स्वास्थ्य का परीक्षण करवाया तथा उनको गिफ्ट तथा खाने के पैकेट्स भी दिए। उनको साथ में यह भी जागरूक किया गया कि आपको हमेशा, जब भी आप जहाँ भी काम करें, हमेशा सुरक्षा उपकरणों के साथ काम करें, क्योंकि जहाँ जहाँ पे आप सुरक्षा के साथ रहोगे तो यह हमारे लिए भी, साथ में आपके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा।